नमस्कार। बात तो आज वही करना चाह रहा हूँ जो मतलब अभी वर्तमान में जो है देश में जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और वो है किसान आंदोलन। और जो समझ में आ रहा है वो ये कि मतलब अब बिल्कुल ये एक पैटर्न जैसा बनता दिख रहा है कि अगर किसी को भी नाराज़गी होगी तो वो शहर घेर के बैठ जाएगा और आम जनता जो है वो तकलीफ़ भोगती रहे। और विशेष रूप से जो है कोरोना काल के बाद जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा समस्या रही होगी या रही, अभी भी चल रही है। दिल्ली तो अभी हाल तक जो है छठ त्यौहार में भी जो है वो कुछ बंदिशें लगी थी इसी नाम से कि भाई मतलब जो है इससे बीमारी बढ़ेगी। लेकिन अब जो है देखिए कि इस कदर जो है वहाँ पे तीन चार जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है और ये लगातार ये चल रहा है। तो ये क्या हर साल अब ऐसा होगा या मतलब क्या है, समाज में एक ठो कुछ इसके लिए बनाना पड़ेगा, मतलब एक इसके लिए कोई एक समाज में इसके लिए एक सहमति बनानी पड़ेगी कि क्या ये उचित है, क्या एक जो नागरिक वर्ग है वो दूसरे नागरिक वर्ग को इस तरह परेशान कर सकता है क्या, मतलब जाम लगा के ब्लॉकेड लगा के। और ये आंदोलन का तरीका है, और दूसरी बात ये भी है कि ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है जो भारत की जो ब्रांड इक्विटी है। अगर भारत के बारे में ये प्रसिद्ध हो जाए कि इनका तो दिल्ली ही हमेशा जाम रहता है ना साल के कई महीने, तो सवाल है कि फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा। और क्या हम ये मान के चलें कि जो जो हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं कि जहाँ जिनकी जो है रेपुटेशन खराब हो चुकी है और अब जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्राइवेट कैपिटल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो बड़ी आसानी से दिखाएंगे कि यहाँ पर तो जो है आपका जो सामान्य जनजीवन है वही अस्त व्यस्त है। तो इसलिए जो है क्यों कोई बड़ा जो इन्वेस्टर है, क्यों कोई बड़ा कंपनी जो जो मतलब बहुत ही हाईटेक हाई एंड टेक्नोलॉजी में काम करती है वो क्यों यहाँ पर पैसा लगाएगी, वो क्यों यहाँ पर रिसर्च करेगी। यहाँ पर तो असंतोषी जो है वो बना हुआ है और हमेशा जो है ये बहुत ही गलत है और पूरे समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। और कल को ये दूसरे शहरों में दूसरे मतलब प्रांतों में भी फैल सकता है। इसके बारे में कुछ विशेष चिंता करने की ज़रूरत है और समाज के स्तर पर, चूंकि ये सरकार के स्तर पर नहीं उतरता क्योंकि सरकार के बारे में सरकार तो जाहिर सी बात है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जो है महिलाएं और बुजुर्ग वगैरह कहीं अगर बैठे रहेंगे तो वो उन पर जो है जोर आजमाइश नहीं कर सकती है ना। समाज भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई स्थिति आए, लेकिन इसके बारे में हमको विचार करना होगा कि किस तरह से जो है मतलब एक पूरे मतलब एक ब्रांड इक्विटी जो है पूरे देश विदेश में जो है लगातार इस तरह की खबरें चलेंगी दो साल तीन साल, तो इसके बाद में फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट का सिनारियो पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारे युवा वर्ग है उनको क्या उनके जो आने वाले भविष्य है उस पर हमारे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में सरकार को चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को जनता के बीच संवाद बिठाना चाहिए कि भाई ये इस तरह की गतिविधियाँ अगर जारी रहेंगी तो कहीं नहीं हो पाएगा ये इस तरह से। तो हमारे युवा वर्ग के जो उनके भविष्य के लिए उनके बेहतरी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो है मतलब जो सिर्फ किसान से संबंधित जो मुद्दे हैं उन्हीं को सरकार अभी बता रही है, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए और जनता के बीच सहमति बनानी चाहिए कि इस तरह के आंदोलन ना हो कि जिससे जो है वो जो भारत की जो छवि है उस पर असर पड़े और भारत की ब्रांड इक्विटी जो है उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़े और ऐसा लगे कि भाई जो है मतलब यहाँ पे तो हमेशा आंदोलन चलता रहता है, यहाँ पे हमेशा जो है आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और जो विविधता है हमारी वही हमारा शत्रु मत हो जाए, है ना। इसके बारे में सरकार को जनता के बीच में संवाद करना होगा कि भाई ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, लगातार बार बार जो है ये स्वीकार नहीं हो सकता, है ना। जो कानून बने हैं अगर वो स्वीकार नहीं है तो फिर जो है आपको अदालत का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन इस तरह से जो है सड़कें जाम करना और एक बड़े बड़े शहरों को जाम कर देना और जो हाईवेज हैं आपके उनको जाम कर देना, ये कहीं ना कहीं ये भारत की जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में जो एक छवि उभर रही है उसको चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और ये बहुत ही मैंने नुकसानदायक है। अब इसमें हो सकता है, इसमें तो कोई शामिल हो सकता है, जितने भी देश हैं पश्चिमी देश हों चाहे हमारे आसपास के जो दो देश हैं हमारे शत्रु हैं वो शामिल हो जाएंगे, उनको क्या लगा है कि आप जो हैं कुछ हज़ार करोड़ रुपए फेंक दें अगर वो
और जो है अगर वो सुनिश्चित कर सकें कि भाई इस तरह से वो जाम लगता रहेगा हमेशा, और वो अपने मीडिया में दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमेशा जो है लोग आंदोलनरत रहते हैं, यहाँ पर तो हमेशा जो है लोग आक्रोशित रहते हैं, यहाँ पर क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आपका आपका सप्लाई चेन क्यों आप यहाँ बैठाना चाहेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। और हमारे युवा वर्ग को जो है इसके बारे में खड़ा होना चाहिए कि भाई ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर जो है देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी तो खत्म हो गई है, वो तो 90 में खत्म हो गई, इसके बारे में तो जो है हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस भी है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी अगर आप इस तरह से जो है जबरदस्ती उसकी टांग तोड़ेंगे, जबरदस्ती उसको अगर आप इस तरह से अगर उसको 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 तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, और ये देश जो है इतना बड़ा देश हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इसके बारे में थोड़ा गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर समाज और देश का जो युवा वर्ग है, जो अभी जो अपना भविष्य देखता है, अपना भविष्य उज्जवल देखता है, और वो जो ट्रेनिंग प्राप्त है, जो ये समझता है कि भाई अगले 20 साल 30 साल जो है वो इस बड़े देश का जो है सुख सुविधा उठाएगा और अपना परिवार आगे बढ़ाएगा, और उनके लिए ये उनके लिए चिंता का विषय है, उनके लिए ये जो है मतलब एक सोचनीय विषय है, उसको सरकार के साथ मिल करके जो है ऐसे आंदोलनों के बारे में जो है एक चिंतन मनन कर करके एक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।